दिल्ली सरकार के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम पर हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ शपथ का आरोप लगा है और कहा कि उनके कार्यक्रम में लोगों को ब्रह्मा विष्णु महेश राम और कृष्ण को ईश्वर न मानने और पूजा न करने की शपथ दिलाई गई। क्या है मामला, देखे पूरा वीडियो। ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा, और ना ही उनकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा, और ना ही उनकी कभी पूजा करूंगा। मैं गौरी गणपति आदि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा, और ना ही उनकी पूजा करूंगा। वहीं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने वीडियो शेयर किया है जिसमें हिंदू धर्म के देवी देवताओं को नहीं मानने की शपथ ली जा रही है। मनोज तिवारी ने पूछा, इतनी हिंदू विरोधी क्यों है आप? आपके मंत्री हिंदू धर्म के खिलाफ शपथ ले भी रहे हैं और दिला भी रहे हैं। बीजेपी को जवाब देते हुए राजेंद्र पाल गौतम ने साफ किया कि जिस आयोजन की बात हो रही है वो आम आदमी पार्टी का आयोजन नहीं था, वो कोई राजनीतिक प्रोग्राम नहीं था, ये भारतीय बौद्ध महासभा का धार्मिक आयोजन था जो 1956 से होता आ रहा है। देखे वीडियो। ये तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कह के गए हैं, जब उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, तब से हर साल वो दीक्षा का आयोजन पूरे दुनिया के अंदर मनाया जाता है, भारत के हजारों जगह पर मनाया जाता है। लोग 22 प्रतिज्ञा लेते हैं जो बाबा साहेब ने दिलवाई थी, उसमें किसी को ऐतराज क्यों होना चाहिए? कह रहे कि ये बातें बाबा साहब ने कही थी। बाबा साहब ने जो 22 प्रतिज्ञाएं दिलवाई, इसको पढ़ लीजिए, उस वीडियो को पूरा देख लीजिए। बीजेपी तो कट पेस्ट करती है, छोटा काट के अपने फायदे की चीज चलाएगी, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बीजेपी जो काम करना चाहे करे, लेकिन बीजेपी अपना मत स्पष्ट करे। बीजेपी जातिवाद मुक्त छुआछूत मुक्त भारत बनाना चाहती है नहीं? क्या अभी भी भारत में मूंछ रखने पर हत्या होती रहेंगी? क्या अभी भी घड़ा छूने पर हत्या होती रहेगी? क्या अभी भी घोड़ी पर बारात निकालने पर हमला होगा? लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से मोहन भागवत जी का धन्यवाद जरूर करना चाहूंगा कि परसों उन्होंने स्वयं हमारे इस दुख को अपने वक्तव्य में शामिल किया। जो हमारा हजारों साल का दर्द है, जो जातिगत उत्पीड़न हजारों साल से झेलते आए, उसको उन्होंने अपने वक्तव्य में शामिल किया। उन्होंने कहा कि सबके शमशान मंदिर जलाशय एक होने चाहिए। मैं और उन्होंने ये भी कहा कि सबको एक दूसरे के धर्म की इज्जत करनी चाहिए।